सारी जिंदगी बंदा गुनाह करता रहेगा। कदी आओ फ्री वेला आ जाएगा, कदू रू अद्धी निकल जाए अद्धी बाकी रह जाए, कदू अखियां बंद हो जाए जबान बंद हो जाए, उस वेला तेरा गुलाम दिल की शर्मिंदा ही हो जाए। मैं उदो भी माफी दे देवांगा। नबी करीम ने अर्ज कीती अल्लाह इन्ना वल ना वेख, मेरे वल वेख सौदा होर सस्ता कर दे। अल्लाह परमा सोनिया हुण बाकी की रह गया है, अद्धी रूह निकल जाए अद्धी बाकी रह जाए, अखियां ते जबान बंद हो जान, दिल दी शर्मिंदगी ते माफी पिया देना। अर्ज कीती अल्लाह कुछ कयामत नूं ओह भी आ जाने जिन्ना बगैर शर्मिंदगी दी आ जाने, उन्हां मिस्कीना दा की बनेगा। अल्लाह ने फरमाया सोनिया फिर इंज कर लैने आओ, अद्धी रूह निकल जाए अद्धी बाकी रह जाए, अखियां ते जबान बंद हो जान, उस वेले तेरा दिल च शर्मिंदा हो जाए, उहनूं ते मैं माफ कर देवांगा। जिहड़ा कयामत नूं बगैर शर्मिंदगी दी आ गया, शफात कर देवी मैं उहनूं ही माफ कर देवांगा। कुराने मजीद च अल्लाह ने बार बार मौत का जिक्र फरमाया, दुनिया तो जामन का जिक्र फरमाया। मैं कुल्लू शैन हालिकुन इल्ला वजहा, फरमाया हर चीज हलाक हो जाएगी, बस तेरे रब की वजाहत बाकी रह जाएगी। किधर इरशाद फरमाया कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत थुम्मा इलैना तुरजऊन, फरमाया हर चीज ने मौत का जायका चखना है, मगर जब कमली वाले की मौत की बारी आई ना, विसाल की बारी आई, अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतुन, फरमाया सोनिया तुसा भी एक दिन विसाल कर जाना है ते इन्हाने भी मर जाना है। अल्लाह ये भी तो कह सकता सी कि सारे ने मर जाना है, मगर रब ने नबी की मौत नु लोगों की मौत तो अलग बयान किया, फरमाया इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतुन, ए महबूब तुसा भी विसाल कर जाना है ते इन्हाने भी मर जाना है। अगर नबी की मौत लोगों की मौत की तरह होती तो रब सारे सांझा बयान करता, मगर महबूब की मौत को अल्लाह ने अलग बयान किया, सारी कायनात की मौत को अलग बयान किया। पढ़े लिखे बाप तो शरीफ फरमाओ, याद रखियो याद रखियो मुड़ याद रखियो, नबी की मौत च आम इंसान की मौत च उतना ही फर्क है जिन्ना आम इंसान च नबी की जात च फर्क है। हजरत कुसम बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा नबी पाक दे चचा जाद ने सहाबी रसूल ने आ फरमांदे ने मैं आखरी बंदा जिहड़ा नबी पाक नूं कब्रे अनवर च रख के बाहर निकलिया। आ फरमांदे ने जदों मैं नबी पाक नूं कब्रे अनवर च रख के ते बाहर निकलन लगा ते मेरे अचानक ख्याल आया मैं आखरी वारी मुहम्मद या रबी दी ज़ियारत ना कर लवां। आ फरमाते मैं दोबारा हजूर की कब्र च उतर गया ते मैं हजूर दे चेहरा अनवर तो कपड़ा हटा के देखा ना ते हजूर दे लब मुबारक पे हिल दे सन, मैं कान ला के सुनिया ते आवाज आई रब्बे हबली उम्मती, याद रखियो रूह दा निकल जाना ए नबी दी मौत दी दलील है ते कब्र विच रब्बे हबली उम्मती दी दुआवां करना ए नबी दी हयात दी दलील है। तवज्जो है जी, मौत हयात अगर फलसफा अर्ज करा तो वह बहुत वक्त दरकार है, मगर दो चार जुमले समझ जाओ। हजरत गजाली जमान रहमतुल्लाह अलैह ने इत्थे एक बड़ी मोहब्बत की बात लिखी। आप फरमाते हैं कि जब इजराइल नबी पाक की रूह मुबारक नु लेके अल्लाह की बारगाह च पहुंचे ना तो इजराइल ने अर्ज की या अल्लाह कि ये तेरे महबूब की रूह पाक है, रूहां याद सिजीन च जांदियां ने ते या इलियीन च जांदियां, दो ही मुकाम ने जिहड़े जिथे रूहां रहिंदियां ने। सिजीन च मुहम्मद दे दुश्मनां दीआं रूहां ने ते इलियीन च मुहम्मद दे नौकरां दीआं रूहां ने। इज़राइल ने अर्ज़ कीती या अल्लाह ए तेरे महबूब दी रूह पाक है, इनू किथे रखा कायनात च किहड़ी पाकीज़ा जगह जिहड़ी रूह मुहम्मद दे मकाम के मुताबिक होवे जिथे मुहम्मद अरबी रूह रखीए। सिजीन च मुहम्मद दुश्मन दिया रूहां ने, इलियीन च मुहम्मद के नौकर दिया रूहां ने, आई दो मुकाम ने जिथे रूहां रखिया जांदियां, हुण रूहे मुहम्मद नूं किथे रखा। अल्लाह ने फरमाया ए इजराइल मैं कायनात च इतनी पाकीज़ा जगह कोई बनाई नहीं जिथे मुहम्मद की रूह रखी जाए, तो या अल्लाह फिर किथे रखा। अल्लाह फरमा जिथों लैके आया उत्थे ही रखिया। ओ वजूदे मुस्तफा है, ओ
वजूद मुहम्मद जिन्होंने मैं इतना पाक बनाया कि जिथे मुहम्मद रबी की रूह पाक नूं रखिया जा सकता है। तो रूह का निकलना खुल्लो नफ्स ज़ाइकतुल मौत का वादा पूरा हो गया। इनो आला हजरत ने इंज बयान फरमाया कि आला हजरत फाजले बरेली ने फरमाया अंबिया को भी अजल आनी है, अंबिया को भी अजल, इन अजल अल्लाह इदा जा अला युअख्खर। अल्लाह फरमांदा अजल ते सारे नु आनी है, मौत ते सारे नु आनी है ना। आला हजरत भी फरमांदे ने अंबिया को भी अजल आनी है, मगर इतनी के फकत आनी है, यानी आनी एक आन दी आन, एक लम्हे वास्ते आई मौत पलट गई, नबी मुड़ फिर जिंदा। वादा भी पूरा हो गया तो जिंदगी भी अता कर देती। खिदर जट साहब के भाई माशाल्लाह सिकंदर जट साहब का मलिर तू तशरीफ ले आए, मैं खुश आमदीद कहना माशाल्लाह। यूनान दे अंदर अल्लाह ताला बरकात अल्लाह नवाजे, बड़ी खिदमत करने वाला बच्चा, अल्लाह करीम उन्होंने दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। मेरा दिल करता मैं पहले कुरान पढ़ा तो फिर तुम्हें आला हजरत का कलाम सुनावा कि नबी किवें जिंदा ने। इनी उची सुभान अल्लाह फरमाओ जन्नत मेरे जाल च बैठे हो कि जन्नत तक आवाज जावे। कोई भाई तुसी सुभान अल्लाह नहीं कह रहे, मैंने पता है महफल अजे 12 बजे ते महफल सुनी आदि माशाल्लाह वैसे ही शुरू होंगी है, हैं ते अजे ते महफल दे आगाज ते इब्तिदा दा वक्त है, ते अजे सुभान अल्लाह चौकी तुसे जोड़ के रखी है ना, हौले हौले माशाल्लाह जेड़ा जेड़ा आवेगा ला जाएगा अपने अपने हिस्से दी। हुण जिन्नी सुभान अल्लाह जोड़ के रखी सारी मैनू दे दो मैं नाल लै जावां। कोई नहीं तुसी बोले सुभान, जोर लगा के बोलो सुभान अल्लाह। पहले बुखला खोलो ना ते गोडे नीवे करो ते गोडे छड़ दो, नहीं दौड़ दे किधरे, अपने अपने गोडे छोड़ो, बुखला खोलो अपना ते नाल दे दा हाथ चुके उची सुभान अल्लाह फरमाओ के मदीने आवाज जावे। स्टेज वाले मैंने सुना मैं के शाम दा बोलिया कोई नहीं, स्टेज वाला भी, स्टेज वाले भी सारे बोलो सुभान अल्लाह भाई, हाथ चुके बोलो मैं पता लगे नबी पाक दे जूदे जागदे नौकर च बैठा, उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। ये मैरिज हाल इतने शादियां ही होंगे, अब मिला शरीफ हो रहे हैं, अज तो बाद जो दूल्हा इतने आवे उन्होंने सुभान अल्लाह की आवाज़ सुनी जाए, उन्हें पता लगे थे नबी पाक का मिलाद हाफिज़ जी ने कराया से सुनी सुभान अल्लाह कह के गए सन। या अल्लाह जरा उच्चा जहा सुभान अल्लाह फरमाया, अज एक उम्र का टिकट तो जरूर ला जाओ है, हम जरा इस तो उच्चा बोले या अल्लाह रमजान शरीफ अपनी अम्मी ते अबू नाल उमरा करके आवे, हूँ जरा हाथ चुके इस तो उच्चा बोले इस साल अपनी अम्मी नाल हज करके आवे, या अल्लाह जड़ा इस तूचा बोलिया जरात सौवे खावे च कमली वाला ही आ जावे, तेरा की जांदा जड़ा इस तूचा बोले जाग दे माफर च सोने दा दीदार करा दे। माशाल्लाह हुण कामे ते रख्या जे भाई, अल्लाह ने रिजा फरमाया कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका व यबका वजह रब्बी कदर जलाल वल इकराम। परवरदिगार ने फरमाया कायनात की हर चीज फना हो जाएगी, अल्लाह ने निजा फरमाया कुल मन अलैहा फानी व यबका वजह रब्बी कदर जलाल वल इकराम। अल्लाह ने फरमाया ना कोई तख्त रवेगा, ना कोई ताज रवेगा, ना कोई शहर रवेगा, ना कोई बस्ती रवेगी, ना कोई बुलंदी रवेगी, ना कोई बस्ती रवेगी, ना कोई खुम रवेगा, ना कोई मस्ती रवेगी। फरमाया ना चिड़िया का जहाना रवेगा, ना फुला का लालहाना रवेगा। फरमाया ना कोई ताज रवेगा, ना कोई तख्त रवेगा, ना कोई शाही रवेगी, अदगी दिया ला बाकी की रवेगा। फरमाया भाई अब कज हो रबी कदल जलाली बल इकराम। फरमाया कुछ भी बाकी नहीं रवेगा, रवेगी तेरे मालिक की बात सही रह जाएगी, तेरे मालिक की शैन सही रह जाएगी। नौ जबान मैनू तो तुम ख्याल आवेगा, अर्ज करिए या अल्लाह सारी कायनात ने मर जाना तू ही जिंदा रह जाना है, सारे पना हो जाना तू बाकी रह जाना है। आओ अर्ज करिए या अल्लाह जे साडा भी दिल करे कदे असी भी बाकी रह जाइए। अल्लाह ने कुरान च फरमाया एदा भी खुलिया मौजूद है, फरमाया मन अमिल सालिह अमिल ज़करिन औ उनसा फहुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, फरमाया सारे ने फना हो जाना है,
फरमाया मैं बाकी रह जाना है, कदिया जे बाकी रहना चाहना है, यारी मेरे नाल लाल है, मरन तेनू भी नहीं देवा। मरन नहीं देवांगा। मेरे इंतहाई मुअज्जज और मोहतरम, साडे इलाके दी भी जीनत और साडे मसलक दी भी जीनत, अल्हम्दुलिल्लाह जनाबे राणा मोहम्मद आरिफ इकबाल हरना साहेब इंशाअल्लाह पक्का एमपीए माशाल्लाह तशरीफ लेके आ गए ने। अल्लाह करीम नबी पाक दी इज्जत सदके इज्जत अता फरमाए। नसरु मिनल्लाह वफतहुन करीब दा सदका अल्लाह नुसरत बुलंदियां नसीब फरमाए। मजीद का अल्लाह करीम इज्जत अता फरमाए ते जेड़ियां इज्जत रब दितियां अपने महबूब की इज्जत दे सदके रब उन्हां दी इज्जतां दी रखवाली फरमाए। हसदी दे हसद ते शरीरां दे शर्त अल्लाह महफूज फरमाए। मैं इंतहाई मौजूद मोहतरम शख्सियत दा इस्तकबाल भी करना, खुश आमदीद भी करना। हजरत जी मेरा मौजू है जिन्हें मैंने दिता सानू नबी पाक का विसाल सुनाओ, तो मैं अज आगाज किया है। मैं पहले दस लवा कि आम इंसान की ते नबी की मौत च फर्क की होंदा है। मत कोई ये समझे होरे मर गए तो फिर मर गए ना भाई, मैनू कसम रबे मुहम्मद की, और जेड़ा रब मुहम्मद के नौकरा नहीं मरन देता। मैं छोटी जी गल सुनावा तो प्रीत दी, तुसी जुमान अल्लाह घर जाके बोलिया जे गोलड़े दा ताजदार चिश्तियां दा इमाम हजरत पीर मेहर अली शाह साहब गोलदवी चिश्ती निजामी सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, आप एक दिन ना गुलड़ा शरीफ के रेलवे स्टेशन से तस्बीह पढ़ते जा रहे, मॉर्निंग वॉक कर रहे, नाले तस्बीह पढ़ते जा रहे। आप फरमाते सन ये तस्बीह मैनू बगदाद शरीफ गौसे पाक को मिली है। वो तस्बीह पढ़ते जा रहे, तस्बीह पढ़ते जा रहे, अचानक एक अंग्रेज, चूंकि अंग्रेज की हुकूमत का दौर से ना, तो अंग्रेज एक बंदूक लैके शिकार कर निकलिया, उन्हें तस्बीह देखी तो बड़ी हैरत ना तस्बीह वेख के कह लगा ये की है। बाबा जी उसकी बंदूक वाल इशारा करके फरमावन लगे ये की है। अंग्रेज कहन लगा बाबा जी मेरा हथियार है। पीर मेहर अली शाह साहब फरमावन लगे ये मेरा हथियार है। कहन लगा बाबा जी ये नाल की कर दियो। आपने फरमा तुसी ये नाल की कर दियो। अंग्रेज कहन लगा मैं करके दिखा देना। सामने दरख्त एक परिंदा चहचहा रहा, अंग्रेज ने निशाना लेके गोली चला दी, गोली जाके परिंदे दे सीने च लग गई, परिंदा फड़फड़ा के जमीन ते डिगे मर गया। अंग्रेज कह लगा बाबा जी मैं दे नाल ए करना वा। आप तस्बीह पढ़दे पढ़दे मुर्दा परिंदे दे कोल गए, परिंदे ने तस्बीह लगाई, परिंदा उड के जाके दरख्त ते बह गया। फरमाया मैं एदे नाल ए करना, मलक सलमान नसरुल्ला साहब अजीम बाप का अजीम बेटा मलक सलमान भाई आए, अवाना का पुत्र है, आपनु भी वेलकम। राणा हाजी आरिफ इकबाल हरना साहब अल्लाह ताला आपके भाई उनकी भी बख्शिश करे, बुजुर्गों के भी दर्जात बुलंद करे। हम आपको भी बस तमाम दोस्तों से अपील है राणा साहब की तरफ से भी कि बैठ के अदब से अब हुजूर का जिक्र सुने। बहुत शुक्रिया। मैं मलक सलमान साहब ने भी खुश आमदीद करना हूँ। जी जी हूँ भाई हूँ मेरी तकरीर क्यों आफा जी, तकरीर मुकम्मल कर रही है पहले मेरा भी है। जेड़ा मेहमान आवे ना भाई वो मेरे सिर दा ताज, यकीन करो तुसी मेरे करीम आका दे प्रौने हो, तो मेरा दिल करदा मैं तुहाड़ियां जुतियां च जाके बह जावां। जिहड़े तुसी मुअज्जत ते मोहतरम हो इस वेले फरिश्ते भी तुहानू सलामियां देंदे होवणगे। इत्थे शादी होंदी है ना, इत्थे शादी दा कार्ड तो बगैर कदे कोई इत्थे आया, पहले कार्ड जांदा दावतनामा जांदा फिर आंदा ना, ते कि तुसी एवें ही आ गए हो? नहीं, जदों इस मिलाद की लिस्ट आसमाना ते बनी होगी रब्बे काबा की कसम है मेरे तुहाडे सारे दे नाम लिखे गए होवणगे। असी को बगैर दावत तो नहीं आए, सानू उन्हें बुलाया, साइयां बुलाया है। ये बड़ी वड्डी दावत है तुसी आयो, वरना इतने कि मजा लो उंज आ जाए। ये बड़ी दूरों फैसले होंगे ने, मुरतब आके इतने होंगे ने मगर फैसले बड़ी दूर तो होंगे ने। हम वापस चलिए जा खो सुभान अल्लाह, वो जिदे नौकर ठोकर मार के मुर्दे ही जिंदा कर दे। ईसा अलैहि सलाम अन्नी अखलुक लकुम मिन अत्तीन कहई अत्तीर फअनफुख फीह फयकून तैरन बिइज़्निल्लाह। ईसा अलैहि सलाम मिट्टी का छोटा जा परिंदा बना के ना, मिट्टी का परिंदा बना के
फूक मार देने ते उड़ जाता है। मैं सची दस जे रूहुल्ला विच इन्ना कमाल है, वह यार रूहुल्ला तो मिट्टी का परिंदा बना के फूक मार के उड़ा देंदे ने ना। परवाह मदीने दे ताजदारा शाहजी मेरे नबी मैदाने ओहद च गए ना, तो ओहद पहाड़ के उत्ते मेरे नबी ने अड्डी रखी पाँव रखिया, तो ओहद पहाड़ हिल पिया, उहदे च जलजला आ गया। पता लग्या जिहड़ा कमाल ईसा की फूक विच मुहम्मद के पैरां की धूड़ विच मुहम्मद के पैरों की धूड़ बेच आला हजरत ने ताइयों फरमाए तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले यकीन करे आज मेरा नबी इंज जिंदा है, इंज जिंदा है कि मैं तेरे ते मेरे बेच ईमान जिंदा है ना, इंज मेरा नबी जिंदा है कि मैं तेरे मेरे च ईमान बसद है, तो इंज मेरा ते तेरा नबी तेरे मेरे बिच पिया बसद है। गिरामी कदर हजरात ये बहस करा तो वक्त दरकार है, आओ मेरा दिल कर दे मैं तुम्हें नबी पाक की हयात तैयबाद ने चंद आखिरी अयाम सुनावा। आखिरी अयाम कौन है दिवाली के जनादा पढ़ के घर आए थे नबी पाक दिन रस्ते दे अंदर सर च दर्द शदीद शदीद दर्द शुरू हो गया। नबी पाक घर आए थे अम्मा आशा नु फरमा लगे आशा मेरे सिर ते पट्टी बंद दे मैनू दर्द हो रहे। इधर अम्मा आशा सिद्दीका नबी अपने सर ते दुपट्टा बंधे ते हाए हाए पिया कर दिया। नबी पाक ने फरमाया सर तुहानू की होया, अर्ज कर दी यार रसूल अल्लाह मेरे सर च भी बड़ा शदीद दर्द हो रहा। नबी करीम जनादा पढ़ के घर आए सर दर्द तो मामला शुरू होया, नबी पाक नु इतना शदीद बुखार हो गया कि जो जो दिन गुजरते जा रहे नबी करीम अलैहिस्सलाम दा बुखार भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा। नबी करीम अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ने वास्ते थे आंदे ने मगर नकाहत और कमजोरी बढ़ती जा रही। आखिर एक दिन ऐसा भी आ गया कि नबी पाक अजान हो गई नमाज वास्ते उठते ने उठाया नहीं जा रहा। हजरत बिलाले हबशी अदान पढ़ के ना ते नबी पाक दे हुजरे दे बाहर खलो जाते सन। जब जमात का वक्त होना ते तीन मरतबा कहना असला असला असला, यानी कि यार रसूल अल्लाह नमाज का वेला हो गया तो शरीफ ले आओ। जेड़ा तुसी ते मैं जदों इकामत पढ़ी जाती है तो हैया अला सलाह ते उठने आ ना सारे, पता क्यों? क्योंकि सहाबा हैया अला सलाह जब इकामत पढ़ी जाती सन उदो उठते सन, मगर फुकहा फरमाते ने असल वजह सी जब हजरत बिलाल पढ़ते सन ना हैया अला सलाह तो उस वेले हजूर हुजरे चो निकलते सन सहाबा नबी पाक के अदब च उठ वेले कोल हो जाते सन। दरअसल उस वेले नबी पाक हुजरे चो निकलते सन। आज भी हजरत बिलाल हबशी ने तीन मरतबा आख्या असला असला असला, पर आज नबी पाक बाहर तशरीफ न ले आए। अम्मा आशा सिद्दीका नु हजूर ने फरमाया कि आशा बिलाल नु कहो कि अबू बकर सिद्दीक नु कहे नमाज पढ़ा देवे। हजरत बिलाल हबशी दे कन्ना च आवाज गई तो रोंदे मस्जिद नबी च आ गए। सहाबा ने पूछे क्यों रोते हो? हजरत बिलाल अपने हाथ सिर ते मार के कहन लगे ए बिलाल तेरी मां तेनू जन्म क्यों दिता, ते जे जन्म दे ही दिता ते अज दा दिन क्यों वेखे आई, अज नबी दे बगैर नमाजा पढ़ेगा। सहाबे के बार जो पैगाम मिलया कि अज नबी पाक नहीं आ रहे, हजरत सिद्दीक अकबर ने नमाज पढ़ानी है। सहाबा नाले नमाज पढ़ते हैं नाले नमाज च हिचकियां की आवाज आ रही, लोग रो रहे हैं कि असी नबी पाक के बगैर नमाज पे पढ़ने। इमाम बुखारी फरमाते ने नबी पाक ने इस तरह करके ना इस तरह करके पर्दा खिड़की का हटाया कि मैं वेखा मेरा यार नमाज पढ़ा कि सोहना पे लगता है, तो सहाबा पिछे पढ़ते कि सोहने पे लगते हैं। माली अपना बाग वेख के खुश होंगे ना। इमाम बुखारी फरमाते नबी पाक ने जब अपनी खिड़की का पर्दा हटाया ना, अब मेरे वल वेखो सहाबा नमाज ते पे पढ़ते सन महसूस होया खिड़की खुली है, अब मेरे वल वेखो नमाज पढ़ दिया ना सहाबा इस तरह करके खिड़की वल वेखन लग पे। आओ सामने नबी पाक का रुख अनवर। इमाम बुखारी फरमाते ने उस वेले सहाबा फरमाते ने अन्नवजहु बरकत मुसहब, उस वेले नबी पाक का चेहरा इंज पिया लगता से जिवें कुरान का बरका होता है, जिवें कुरान का बरका होता है। असी नमाज पढ़िए काबे वाल वेखने उन्हें काबा यार नु बना लिया, कर आज यार नमाज रब दी पे पढ़ दे ते मुख यार दा पे वेख दे रबे काबा दी कसम। इमाम बुखारी ने जे दो घड़ियां नबी पाक पर्दा नीचे ना कर दे सहाबा नमाजा तोड़ के चले जाना सी ते जाके हजूर दे चेहरा अनवर दी ज़ियारत करनी सी। ऐसा उन्होंने ज़ियारत दा शौक उन्हें यार ने काबा बना लिया। इजाजत होवे ते दा रंग मैं पीले बाहू दे कलम दी नोक ते पेश करा। अरफान दे सुल्तान ने फरमाया आ फरमा दे ने मुर्शिद मक्का मक्का मुर्शिद मक्का के तार
फिर काबा इश्क पकाया तबाफ कीता अज दिल मिलने आए ते आया हो बिच हजूर सदा हर बेले असी करिए हज सबाया मुर्शिद ऐसा हो बे पाहो ते जग जग जीवे मेरा मुर्शिद पाहो ते जम जम जीवे मेरा मुर्शिद पाहो जेड़ा लोनो बिच समा नहीं बोले नहीं तो मैं पूछ देना सी थोड़ा जो होर हौला बोलो बार आवाज नहीं जानी चाहिए हाथ ना चुके मत किधरे कोई शहीद ना हो जाए भाई सुन्नी मां का पुत्र बोले सुभान अल्लाह बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया पहली पौड़ी इश्क तेरे दी फुल सिराते तेरा लोकी हज मक्के नो जा हजरत अबू हुरैरा ना ऐसा करके ना हर वेले ऐसा करके टिक टिकी लगा के ना ते हजूर वाल तकदे रहना सारी जिंदगी घर ही नहीं बनाया यार दा मुख वेख के जिंदगी गुजार देती एक दिन ना नबी पाक ने बुलाया नबी पाक बुला के फरमान लगे अबू हुरैरा अर्ज की जी या रसूल अल्लाह फरमाया यार रोज मिलन ना आया कर एक दिन छोड़ के आया करो छुट्टी करया करो एक दिन कह लगे जी ठीक है हुक्म दे पाबंद सन ना वो कुछ साडे वर्गे ते नहीं सन ना वो हुक्म दे पाबंद सन वो ऐसे पाबंद सन हुक्म दे एक दिन नबी पाक जुमा पढ़ा रहे थे चंद सहाबा खड़े हजूर ने फरमाया बह जाओ जेड़ा जिथे खड़ा सी उथे बह गया हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद मदीने की गली चा रहे उथे नबी पाक की आवाज पहुंच गई उथे ही बह गए किसी नबी पाक नो आके दसे अब्दुल्ला बिन मसूद गली च बैठे ने नबी पाक ने फरमाया बुला के लियाओ आए ते ओ दरवाजे च पहुंचे मेरे नबी फरमाया गली च क्यों बैठे सो अर्ज की या रसूल अल्लाह तुहाडी आवाज गई सी बह जाओ मैं समझिया अरे हजूर ने मैनू फरमाया बह जाओ मैं उथे ही बह गया हजूर ने फरमाया तेनों नहीं सी आख्या ओ उथे बैठन लगे हजूर ने फरमाया नहीं उथे नहीं सारे तो पहली साफे च आके बैठे सुनिया क्यों फरमाया मैं कायनात नू दसना चाहना जेडे मुहम्मद दे आखे लग जाण ओ पिछे नहीं रहंदे फिर सारे तो अगे होके लगे फिरदे ने हुक्म दे पाबंद सन ना हुक्म दे पाबंद सन नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा रोज मिलन ना आया कर एक दिन छोड़ के आया कर कह लगे जी ठीक है उठ के टुर पे ए जिवें ए पिलर है ना सामने पिलर इस तरह मस्जिद नबी च एक पिलर सी एक सतून इते सीमट दा ना ते ओ लकड़ी दा सी खजूर दे दरख्त दा मुड जिन्नू उस्तने हनाना किया जांदा है ओदे तक पहुंचे ना अबू हुरैरा ते ओदे उपर तो हो के मुड़ के वापस आ गए वापस आके कहंदे ने मेरे को नहीं रहा जाना अल जन्नत मैरिज हाल च आने वाले जेडे इथों लग के उथे तक यार दी जुदाई बर्दाश्त ना करन जो कमली वाले दुनिया तो परदा किया होगा उन्होंने की हाल होया होगा किवें रोए होवनगे
दरख्त का मुढ़ मेरे नबी की याद इतना रोया जो नबी पाक उतना टेक लगा के ना टेक लगा के हजूर खुतबा देते सन। एक औरत मदीने की आई तो कह लगी मेरे पुत्र ने नवा नवा तरखाना का काम सीखे है तो इजाजत हो तो मिंबर ना बनवा के देव। नबी पाक ने फरमाया बना लिया माई मिंबर बनवा के लिया ना। तो नबी पाक जब पहले दिन मिंबर से बैठे ना तो अचानक मस्जिद नबी चु किसी दिन रोन की आवाज़ मौलाना रूह फरमाते ना किसी दिन रोन की आवाज़ आई रोन वाला हौले हौले एड्डी बुलंद आवाज ना रोगन लग पाया जिमें ऊटनी का बच्चा गवाच जाए तो ऊटनी रोंद ही है ना इंज किसी दिन रोन की आवाज़ पर नजर ही कोई ना आए। साहबा भी रोई जा रहे रोई जा रहे पूछा सोने रोंदा कौन है। मेरे नबी उठ के उस खजूर के दरखत के मुढ़ को गए उन्होंने सीने ला के फरमाते ने क्यों पिया रोना है तो दरखत के मुढ़ चो आवाज आई पहले तुम दसो मैं छड़िया क्यों जो मैनो क्यों छड़िया जो मेरे नबी फरमा की चाहना है इत्थे रहना है कि जन्नत च लगा दे मैं ताकि जन्नती तेरिया खजूर खावन। उन्हें आ गया फिर मैंने जन्नत ही लगा दियो। नबी पाक ने फरमाया मिंबर मिंबर उठा के जमीन खोदो इनू जमीन दे विच दफन करके उत्ते मिंबर रखो। सहाबा ने जमीन दे नीचे दफन करके उपर मिंबर रखिया। अच्छा उन्हें आख्या सी शाह जी मैंने जन्नत च दफन कर दियो ते मेरे नबी मिंबर दे नीचे दफन किया। पता लग गया जदों हजूर मिंबर ते बैठते जिथे मुहम्मद दे कदम लगते थले जन्नत ही ते होंदी है जन्नत होंगी जिथे मुहम्मद के कदम लग जावन। असल जन्नत ओ जिथे कदम मुस्तफा दे लग जावन। यार जे नबी पाक की जुदाई च दरख्तों के मुढ़ इंज रोंदे ने मैं सची दसो कमली वाले दे सहाबा किवें रोए होवणगे ओ किवें रोए होवणगे। मैं इहदे ते तफसील सुनावां मैनू बड़ा वक्त दरकार है मैनू कई घंटे दरकार ने पर आओ जदों नबी पाक दा आखरी वेला आया ना आखरी वेला दुनिया तो जावण दा वेला आया ते जिबरील आके नबी पाक दे दरवाजे च खड़े इजराइल पिछे खड़े हजूर ने वेख के फरमाया जिबरील किधर आयो। अर्ज कीती का या रसूल अल्लाह इन अल्लाह यकरियुक सलाम अल्लाह तुहानू सलाम कह रहा है। मेरे नबी ने फरमाया मेरे अल्लाह नूं भी मेरे तरफ तों जवाब देवी ते जिबरील किधर आयो। अर्ज की या रसूल अल्लाह अल्लाह फरमांदा तुहाडा की हाल है नहीं समझे अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। और जाओ है किसे महबूब वाले कुबल पूछो जदो माही पूछन की हाल है। अल्लाह दे नबी अय्यूब अलैहि सलाम 18 साल बीमार रहे 18 साल के बाद जब शिफा मिली तो एक दिन जिबरील आके पूछया हुण की हाल है तो रो के फरमाते ने पहले नालों मंदा ही हाल है। जिबरील ने अर्ज की 18 साल के बाद शिफा मिली तो फरमाते हाल मंदा है। फरमाते ने वह बीमारी हुई चंगी सी रब रोज पुछदा सी की हाल है जदों माही पुछण की हाल है छेती बौड़ी में तबीबा नहीं तो मैं मर गई हाँ। आख्या सोने अल्लाह पुछदा की हाल है। यार मैं ते तुसी ते एक दूसरे ने पूछिए की हाल है क्योंकि सानू पता जो नहीं ते रब नू ते सारे दे हाल दा पता है ओ ते नहीं ना पूछदा की हाल है। मेरे नबी ने आख्या जिबरील अल्लाह नू ते सारे दे हाल दा पता है फिर वो मेरा हाल क्यों पूछदा है। ते जिबरील आख्या सुने रब कहंदा दुनिया दा रिवाज है ना यार यारां नू पूछदे ने की हाल है। मैं भी अपने यार नू पूछना की हाल है। मेरे आका ने फरमाया मैं बड़ा दुखी हाँ। जिबरील आख्या जी माही दुखी ने अल्लाह पर मैं सुनया मेरे जिबरील मेरे महबूब नू कह सुनया जे जिंदगी दी लोड़ है ते अल्लाह दी खलक अल मौत अल हयात जिंदगी मौत असा ही बनाई है असी लंबी कर लैने आ तुसी क्यों दुखी हो। फरमाया नहीं जिबरील मैं रब नाल मुलाकात करना चाहना। आख्या फिर दुखी क्यों हो। कहला जमाली ने अर्ज की थी या अल्लाह मैं दुखी हां मेरे बाद मेरी उम्मत दुखी बनेगा। ओ यार मां दा आखरी वेला आ जाए मां कहती है मेरे बड़े पुत्र नु बुला लो मेरे निके बच्चे नु बुला लो बाप दया उसरी वेलावे औलाद नु याद कर दे मामा दया उसरी वेला याद है पुत्र नु याद कर दिया ने औलाद दया उसरी वेला जे मापे नु बुला दिए यार यार नु बुला दे ने मां मदीने दे ताजदार आया उसरी वेला आओ मेरे नबी नु तेरिया मेरिया यादा पिया सता दियो ने अर्द की दिया ला पिछले नबियां दिया मता ने गुनाह कीते शक्लां बदल गईयां मेरे बाद मेरी उम्मत की बनेगा। अल्लाह फरमा सोने दुखी ना हो असी इंज कर लवांगे जेड़ा मरण तो एक साल पहले तौबा करेगा ओदे गुनाह माफ कर देवांगा। मेरे नबी ने अर्ज की दिया ला इना गुनाह करन बाद नहीं आना अर्ज की दिया लेकिन साल पहले पता लगना ना मर जाना है अर्ज की दिया ला सौदा सस्ता कर दे। अल्लाह फरमा सोने रोमी ना
जरा मरा तू एक महीना पहले तो आपा करेगा माफ कर देवगा अर्ज की दिया ना सौदा सस्ता फरमा दे अल्लाह ने फरमाया कमली वाली आओ जरा मरा तू एक हफ्ता पहले तो आपा करेगा माफी दे देवगा अर्ज की दिया ना सौदा सस्ता कर दे अल्लाह ने फरमाया जरा मरा तू एक दिन पहले तो आपा करेगा माफी दे देवगा अर्ज की दिया ना सौदा सस्ता फरमा दे अल्लाह ने फरमाया कमली वाले आओ जेड़ा मरण दी घड़ी पहले तौबा करेगा माफी दे देवांगा अर्ज की दिया ना थोड़ा सस्ता और फरमा दे अल्लाह फरमा सोने तू दुखी ना होवी असि मामला इंज कर लेने आओ 70 80 90 100 दी जिंदगी में देवांगा सारी जिंदगी बंदा गुनाह करता रहेगा कदी आओ फ्री वेला आ जाएगा कदू रू अद्धी निकल जाए अद्धी बाकी रह जाओ कदू अखियां बंद हो जाए जबान बंद हो जाए उस वेला तेरा गुलाम दिल की शर्मिंदा ही हो जाए मैं उदो भी माफी दे देवांगा नबी करीम ने अर्ज की दिया ना इना वल ना वेख मेरे वल वेख सौदा होर सस्ता कर दे अल्लाह फरमा सुनिया हुन बाकी की रह गया है अभी रूह निकल जाए अभी बाकी रह जाए अखियां ते जबान बंद हो जाए दिल की शर्मिंदगी ते माफी प्या देना अर्ज की दिया ना कुछ कयामत नु ओ भी आ जाने ने जिन्ना बगैर शर्मिंदगी दी आ जाने ओना मिस्कीना दा की बनेगा अल्लाह ने फरमाया सोनिया फिर जे कर लेने आओ अभी रू निकल जाए अभी बाकी रह जाए अखियां ते जबान बंद हो जान उस वेले तेरा दिल जी शर्मिंदा हो जाए ओनू ते मैं माफ कर देवांगा जेड़ा कयामत नु बगैर शर्मिंदगी दी आ गया शफात कर देवी मैं ओनू ही माफ कर देवा नारो तकबीर नारे रिसाल ताजदारे नबुव्वत ताजदारे खत्मे नबुव्वत नारे हैदरी नारे तहकीक कितों लबदा जेड़ा सपना माहे रहमतुल्लिल आलमीन ना आख्या सोने तू कयामत नू उन्हां दी भी शफात कर दे भी मैं उन्हां नू भी माफ कर देवांगा हर वेले मेरी तेरी याद हर वेले मेरी तेरी याद आखरी वेला आया ना मेरे नबी दुनिया तो जदों पर्दा कीता ते ऐसी खुशबू आई कि उम्महातुल मोमिनीन फरमा दी असां सारी जिंदगी इंज दी खुशबू कदे सूंघी नहीं बस रूहे मुस्तफा ने परवाज कीती ना ते सहाबा दे दिल दी दुनिया उजड़ गई दुनिया उजड़ गई हाफ़ जी हजरत अनस बिन मालिक फरमाते ने असा नबी पाक दी कब्र अनवर ते मट्टी डाल के जे हाथ नहीं सन झाड़े ते साडे दिलां दी कैफियत बदलना शुरू हो गई सी ओ मौजां जेड़े नबी पाक दे सामने सन जेड़ी दिलां च रूहानियत सी आ फरमाते सन अजे असा हाथ नहीं सन झाड़े ए बच्चन चुप कराओ जी इन्हां च कोई सियाणा बंदा बैठ जाए मेहरबानी अजे हाथ नहीं सन झाड़े तो असा अपने दिलों की कैफियत को बदलना महसूस कर लिया आरफे कड़ी रहमत अल्लाह ने फरमा देने तुर गए ने दिलदार दिला दे पतनों छुके मुहरा बस्ती नजरी आवे कंड दिती यदियारा उजड़ी बस्ती नजरी आवे कंड दिती यदियारा नबी पाक दे विसाग बासा पदी हालत हो गई हजरत बिलाल हबशी मदीने दियां गलियां च रोंदे ने निके निके बच्चे नूं फड़ के सीने लगा के फरमांदे ने बच्चियो किधरे मेरा माही वेखिया जे कमली वाले दा नां सुन के बच्चे चीखा मार के रोंदे ने ते बिलाल हबशी फरमांदे ने जी किथे नूं कमली वाले नजरी आए ते मैनूं भी जरूर दिखाया जे हजरत सिद्दीक अकबर दा हाल हो गया सारा दिन मदीने दे बाहर खड़े रहंदे ने शाम वेले घर आके रोंदे ने घर वाले पुछदे ने दिन किथे गुजारे आओ ते रो के फरमांदे ने मदीने
दे पार जाके रस्ते देख दरिया किस राज मेरा माही वापस आ जाए इधर मेरा माही आ जाए रस्ता उदीका मैं दिल पर अपने दा महल उचे पे चढ़ के आए किस वेले आए दिल काली पावे ते मैं रोवा अंदर बड़ के जड़ी ऊंटनी गादा बात है नबी पाक सफर फरमांदे सन नबी करीम दे विसाल दे बाद ओ ऊंटनी तीन दिन नबी पाक दी कब्र कोल बैठ के रोंदी रही हजूर नजरी ना आए तो दे तो विछोड़ा बर्दाश्त ना आया तो इन्हें मदीने दे कुएं च छलांग मार के जान कुर्बान कर दी नबी पाक जेडे गधे ते सवारी करदे सन ना जिदा नाम सी याफूर तीन दिन मदीने की गलियां हजूर नूं ढूंढदा फिरदा ते सरकार नजरी ना आए तो उन्हें मदीने दीआं दीवारां नूं टकरा मार मार के जान कुर्बान कर दित्ती कोटली लवारां वाले सची दस्सो जे गुलामां दा ए हाल ते जानवरां दा ए हाल मुहम्मद दी धी ज़हरा दा की हाल होया होवेगा हजूर देख साहबी सन हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वेले अपने खेतां नूं पानी पे देंदे सन जदों नबी पाक दा विसाल होया जवान पुत्र जाके खेत च कहंदा अबू जी नबी पाक दुनिया तो परदा कर गए जे सहाबी ने मुड़ के पुत्र वल भी नहीं वेखिया आसमान वल वेख के कहन लगे जे तेरा महबूब टुर गया ते इन अखियां दा मकरना भी की है इन अखियां दा नूर वापस लै ला तेरे माही दे पाद किसी होर नू ना वेखा किधरे अखियां दा वजू ही ना टुट जावे अखां नबीना हो गई अखां नबीना हो गई मियां साहब फरमाते ने दीदे दिल बर वेखन कारण बिन दिल बर क्यों रखा जिन्ना अखा ना दिल बर दिसे पठ पवन ओ अखा ओ अखियां की करनी जिन्हां नूं माही नजरी ना आवे नौजवानों मेरे नबी दा विसाले पाक होया सहाबा दे दिल दी दुनिया ही उजड़ गई सैयद ज़ारा पाक नबी पाक ते विसाले पाक तो बाद 6 महीने जिंदा रहियां और याद रखियो सैयद ज़हरा पाक दुनिया तो को वडेरी हो के नहीं गई हसनैन दी अम्मी जान ने जब दुनिया तो पर्दा किया उस दिन आप दी उम्र मुबारक तकरीबन 24 साल सी यानी सैयद ज़हरा पाक दुनिया तो ऐन जवानी च टुर गई थे आप दे जावन दी होर कोई वजह नहीं एक ही वजह के बाबा का विछोड़ा ही बर्दाश्त नहीं होया नबी पाक तो बाद 6 महीने जिंदा रही दिन भी रोना ते रात भी रोना खाना पीना छोड़ देता अद्धी रात वेले नबी पाक दी कब्र अनबन नूं आके कलावा मार के कहंदियां बाबा जे तुहाडे बाद मेरी जिंदगी लंबी हो गई ते मैं किवें जीवांगी मदीने दी औरतां आके कहंदियां सैयदा या सुबह रोया करो या रात रोया करो तुहाडे रोवण नाल किसे दिन साडे कलेजे फट जाणे ते सैयदा आके कहंदियां लोक कहंदे ने सैयदा कदे ते आराम करिया करो ते आप रो के फरमांदियां आराम कित्थों लैके आवां जिन्हां नूं वेख के आराम मिलदा सी महबूब ही टुर गए ने फरमांदियां सन लोगो जिहड़ा गम मैनूं लगे ना ओह गम कदे दिन नूं लग जाए ते दिन दी भी रात बन जावे फरमांदियां तुहानूं नहीं पता लोगो मैं किहड़े माही तों विछड़ गई हाँ मैं किस महबूब तों विछड़ गई हाँ सैयदा दिने भी रोना ते रात भी रोना आरबे गड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने लगियां बाल चुप नहीं कर दे तैया लख दिलों से आए पुल के यार बिछोड़ा पाके उन जाइए केड़े पास नौजवान 6 महीने सैयदा दिल भी रदिया रिया रात भी रदिया ने रमजान शरीफ का महीना आ गया सैयदा की तबीयत बड़ी नसाद हो गई मौला अली फरमांदे ने दिन रमजान का दिहाड़ा मैं घर आया देखे अज 6 महीने दे बाद सैयदा अपने घर की सफाई आप ही कर दिया ने बच्चों को मुसले आप करा रही हूं खाना आप बना रही हूं बच्चों को खाना पिया खिला दिया मौला अली फरमान लगे जारा अज मैं बड़ा रवी
अज तुम्हारी तबीयत संभल गई है। सैयदा मौला अली ने पकड़ के कमरे चले गई, अर्ज कर दिया मौला अली चले गए। सैयदा दी तबीयत नसा दे गई, मौला अली दी गोदी च सर रखे रो के कह लगिया मौला अली अजी अद्धी रात वेले मेरी रोंदियां ही अख लग गई, मेरे बाबा मेरे ख्वाब च आ गए। मैं बाबा नूं जफ्फा मारे अर्ज कीती बाबा दियां नाल इंज नहीं करी दो, दिने भी रोने रात भी रोने आओ, बाबा या मेरे कोल आ जाओ या दारा नाल लै जाओ, बाबा मेरे कोलों नहीं रहा जांगा। नबी करीम ने सीने नाल लाया, फरमाया बेटी रो ना, ये दिल तेरा नहीं लगदा, दिल मेरा भी नहीं लगदा, बेटी तैयारी कर ले, मैं सारे नबियां नूं लै के तेरी रूह दा इस्तकबाल करने आया। सैयदा ने हथ जोड़ ले, कहन लगिया मौला अली अज मेरी आखरी रात है, अज मैं अपने बाबा कोल तुर चली आऊं, ये सपने अंदर रहे मेरा माही मिले आओ, ते मैं थल विच बालियां पावां, डर दी मारी अख ना खोलाओ, इते फेर विछड़े ना मौला अली अज मेरी आखरी रात। मौला अली चीखा मार कर रोन लग पे, फरमान लगे दारा अजे ते नबी दा भी छोड़ा नहीं भुलिया, अपने जान दियां गल्लां ना कर, तेरे निके निके बचे ने हथ जोड़ के फरमादियां की करा, पापा बगैर नहीं रिया जांदा। फरमादियां ने मौला अली वेला थोड़ा रह गया, मेरियां चार वसीयतां पूरियां कर दे आज। मौला अली ने रोके फरमाया दारा बोलो, लोगों कले जा फट जांदे, नबी दी शहजादी ने हथ कह लगिया मौला अली जिंदगी कठिया गुजारी, अली तो आडे बच्चियां दी मां, अली मैं तुर चली हो छोड़े दे भेले आ गए ने, मैं जांदी वारी माफी मंगनी हो कदे खिदमत च पता ही आई आवे, अपनी दारा नु माफ कर आज, कदे आबाद दिती आवे मैं इबादत करदिया सुनी ना आवे, मैनू माफ कर आज। हथ जोड़ के फरमादियां ने मौला अली बीवी समय के माफी ना दे आज, बच्चियां दी मां समय के माफी ना दे आज, मैनू मुहम्मदी धी समय के माफी दे आज। मौला अली ने हाथ सीने न लगा ले, फरमाया दारा इंज दियां गल्लां ना कर, मैं बड़ा रवी हां, दूसरी वसीयत अवे लाया आओ, फरमादियां मैनू किसे नहीं वेखे आओ, मेरा जनाजा भी रात नू लेके जाया जे, मेरा जनाजा भी वेखे नो कोई आखे ना मुहम्मद धी दा जनाजा पिया जांदा है, तीसरी वसीयत अवे लाया आओ, ओ लोगो कलेजा फट जांदा है। फरमादियां अली टुर चली आओ, किन्ना दियां मावां बचपन च टुर जांदियां ने, ओ ते नुकरां च बह के रोंदे ने, ओ दियां दीवारां नाल लग के रोंदियां ने, अली टुर चली आओ, मेरा हसन रोवे ना, मेरा हुसैन रोवे ना, मेरी जैनब नाल प्यार करिया जे, मेरी कुलसों दा ख्याल रखिया जे, कल तुसां फेरे कफन दफन च लग जाना है, मैनू पता है पता नहीं कोई नू खाना खिलावे के ना खिलावे, मैं जांदी वारी बच्चियां नू खाना खिला चली हो,
बेड़ा साफ कर चली पता नहीं किने करबला दी धूल जुल्फां च पानी है मैं जांदी वारी हुस्न करा चली अली मेरे बच्चों नाल प्यार करया जे दौलत अली ने फरमाया जरा ओ तेरी नहीं मेरी भी औलाद है नौजवान चौथी वसीयत वे लाया नबी दी शहजादी ने हाथ जोड़ ले कह लगिया मौला अली जिंदगी कठिया गुजरी है बच्चों की मावा मैं टुर चली जब मैं टुर जावा मैनू भूल न जाया जे मैनू याद रखिया जे मेरी खबर से आंदे चंद रहा जे मौला अली भी चीखा मार के रोई जा रहे फरमान लगे जरा जादी वारी अली नू भी माफी दे दे तू नबी दी शहजादी मैं फकीर जिहा बंदा तेरी खिदमत नहीं कर सकया जरा जब नबी कुल जावे अली दा सलाम कह दे मेरे नबी नू मेरी शिकायत ना लावी सैयदा भी रो रही है मौला अली भी रो रहे इधर हसनैन रोंदे आ गए कह लगी अम्मा अजे जाई ना मौला अली सीने ला के फरमा पुत्र रोंदे क्यों अर्द की थी नाने दे रोदे ते जा रहे सा दो सोनिया शक्ल नजरी आईया असा पुछया कौन हो उन्हें आख्या जल्दी जाओ जाके मां वेख लो मां टुर चली जाए असी अल्लाह दे नबी इब्राहिम ते इस्माइल आया असी सारे नबी थोड़ी मां भी रोन लैन आया दुआ पुत्रा ने मां दे कदमा ते ओट रखे सैयदा दी रूह परवाद कर गई मियां साहब फरमा दे ने मावा वाले ए मामा दे खुले सै फरियाद लै जांदे पर मोया मावा वाले रो रो आपे छुपे पर जांदे नारे तकबीर नारे रिसालत अजमत व शान मुस्तफा ताजदार खत्म नबुव्वत नबी पाक दे विसाल दे बाद सैयदा सिर्फ 6 महीने जिंदा रह सकी कई सहाबा ते नबी पाक दे विसाल दी खबर सुन के फौत हो गए कुछ अखर तो नबी ना हो गए कई अपने हवास कायम ना रख सके जेड़े बैठे सन उठ ना सके ते जेड़े खड़े सन बैठ ना सके याद है फिर हजरत बिलाल हबशी जब मुल्के मदीना छड़ के मुल्के शाम चले गए सारी जिंदगी मुल्के शाम ही गुजार देते एक दिन नबी पाक ख्वाब विच आए इमाम इब्ने असाकर ने लिखा ख्वाब विच आए ते हजूर ने फरमाया बिलाल मेरे नाल नाराज है अर्ज की सोनिया तेरे दर्द नौकरन का भी नौकर फरमाया मेरा मदीना क्यों छड़े है अर्ज की यार रसूल अल्लाह तुसी नजर ही नहीं आंदे गलियां सुंजियां लगदियां ख्वाब विच नबी पाक ने फरमाया उठ मेरे मदीने आ जा मेरा तेनू मिलन नू दिल पिया करदा है हजरत बिलाल हबशी फिर मुल्के शाम ऊंटनी तो बह के टुरे नाले मदीने वाल आउंदे ना ते नाले हवावां नू कहंदे ने हवाओ जल्दी जाओ ते मेरे माही नू पैगाम दिओ सोहणिया तेरा बिलाल पिया आउंदा है कमली वाले तेरा बिलाल आ जी आके मस्जिद नबी दी कदे उस नुकर च जांदे ने कदे उस नुकर च जांदे ने ते नाले रो के कहंदे ने बड़ी दूरों बुलाए सोहणिया तेरा गुलाम आया दीद ते करा दे किथे मैं सोहणिया मदीने दी गलियां च कोहराम मच गया बिलाल आए बिलाल आए लोग मस्जिद नबी च आके बिलाल नु सीने लगा के रो रहे नबी दा जमाना याद आ गया नबी पाक दी कब्र नु बिलाल ने कलावे मारिया ते कलावा मार के कहंदे ने उठ सोहणिया तेरा बिलाल आए कमली वाले उठ बिलाल आए पर यकीन करो सहाबे के बार इकट्ठे हो गए आख्या बिलाल अजान से सुना जड़ी नबी ने सुनादा से ते बिलाल फरमाने अगे अजान पढ़दा सा ते अजान वाला वेख के पढ़दा सा तुसी मैनू नबी वखा दियो मैं अजान सुना देवांगा हजरत इमाम हसन हुसैन आके कह लगे चाचा बिलाल सानू अजान सुना जड़ी नाने ने सुनादा से बिलाल हबशी नबी दे दोतरे सीने लाए ते मिंबर दे सामने खलो के जदों अजान पढ़ी ना ते बिलाल दी आवाज गूंजी ते चीखा बुलंद होना शुरू हो गईयां मैं किताबा च पढ़िया कि मदीने च जदों बिलाल हबशी की आवाज गूंजी
मावां दुध पिलांदे बच्चियां नूं सुट के दौड़ पई हां। निक्के निक्के बच्चे रो रो के मावां नूं पुछदे ने, अम्मा बिलाल आ गए हजूर क्यों नहीं आए, बिलाल आ गए सरकार क्यों नहीं आए। परदादार कवारियां बच्चियां मैं किताबां च पढ़िया दौड़ के ते मदीने दी गलियां च आ गईयां कि जिवें हजूर आ गए, हजूर आ गए। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, मदीने च अजीब कोहराम मचिया उस दिन। बिलाल अजान पढ़ी जा रहे पढ़ी जा रहे, पर जदों कौनैन दे वाली दा नाम आया ना, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हजूर दे नाम ते चीखा बुलंद होईयां ते बिलाल ने अख खोल के मिंबर वल वेख्या ते मिंबर खाली नजर ही आया, चीख मार के बेहोश हो गए। तीन दिन दे बाद होश आया ते उठ के ते मुल्के शाम वल तुर पे। हो मदीने दे बाहर जाके मुड़ के मदीने वल वेख्या ते मदीने दी खजूरां दे दरख्त नजर ही आए। मेरा दिल करदा मैं तुहानूं ख्वाजा गुलाम फरीद दे दरबार ते लै चलां। ओ केड़ा ओ केड़ी कैफियत बनी फिर मदीने। बिलाले अफी वे के फरमा देने, उचिया लमिया लाल खजूरा ते पत जिना दे सावे, किस दम नाल परी ते शादी सको यो दम नजर आया वे कलिया साखो सुंजुड सी बन अते बेड़ा अखा बन आ वे गुलाम फरीदा उठे की बसना जिथे यार नजर ना आवे। एक बारी मेरा दिल करदा अखियां बंद कर लो, सारे अखियां बंद करके हाथ बुलंद कर लो, एक बारी मिलके मेरे नाल सारे पड़े आज, ए गुलाम फरीदा उठे की बसना, ए गुलाम फरीदा उठे की बसना जिथे यार नजर ना आवे। गुलाम फरीदा उठे की बसना, ए गुलाम फरीदा उठे की बसना जिथे यार नजर ना